पर्टिकुलर किसी के सो कॉल्ड बन जाइए काम मिलने लगे। मैं इंसानियत को सपोर्ट करती हूँ, अच्छाई को सपोर्ट करती हूँ। किसी का धर्म जाति नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। किसी की भी बेटी हो, अगर आप बुरा बोलेंगे तो बुरा लगेगा ही। यादव की बेटी होने से उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा, या पांडे की बेटी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ना ही ठाकुर की बेटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो लड़की ही होती है। जिसने शुरुआत किया ना, सबसे पहले उसको अरेस्ट कीजिए, सबसे पहले जिसने शुरू किया होगा। आप अपने आप को सुधारिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगी तो मैं और ज्यादा विवाद में आ जाऊंगी, जो कि मैं नहीं चाहती। आप हीरो की हीरोइन रहिए तो आप बैक टू बैक रहेंगी, नहीं तो NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। हमारे फ्रेम में आपको दो स्टार दिख रहे होंगे, भोजपुरी के पूनम दुबे हैं और गोलू राज जी हैं, और ये पटना आए हुए हैं। इनसे खास बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हुए यहाँ पे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है NBC में। थैंक यू सो मच NBC। देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या कहेंगे, पटना आने का जो कार्यक्रम है आपका, क्या कार्यक्रम है और किस कार्यक्रम के सिलसिले में आप दोनों यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? गोलू जी तो यहाँ रहते हैं, ये उनकी जन्मभूमि है और मेरी ये कर्म भूमि है, तो काम होते रहते हैं, आती रहती हूँ मैं। कौन से आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं आपके, कौन से फिल्मों में हम आपको देख सकते हैं? बहुत दिनों के बाद आप दिखेंगी फिल्मों में, गानों में अक्सर आप देखी जाती थी। मेरी लास्ट मंथ ही फिल्म रिलीज हुई थी छुपा रुस्तम प्रमोद प्रेमी जी के साथ, उसके पहले यश कुमार जी के साथ पारो आई थी, और अगली फिल्म आ रही है देहाती बाबू यश कुमार जी के साथ। चलिए भोजपुरी इंडस्ट्री से बातचीत कर लेते हैं। जो विवाद अभी चल रहा है जात पात को लेकर के, अश्लीलता को लेकर के, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को सपोर्ट करती हैं? मैं इंसानियत को सपोर्ट करती हूँ, अच्छाई को सपोर्ट करती हूँ। किसी का धर्म जाति नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। किसी की भी बेटी हो, अगर आप बुरा बोलेंगे तो बुरा लगेगा ही। यादव की बेटी होने से उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा, या पांडे की बेटी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, ना ही ठाकुर की बेटी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो लड़की ही होती है। तो जो चीज़ें अभी चल रही हैं, जात पात, बबुआन पे गाना, यादव जी पे गाना, जिसने शुरुआत किया ना, सबसे पहले उसको अरेस्ट कीजिए, सबसे पहले जिसने शुरू किया होगा उसको अरेस्ट कीजिए, सब अपने आप ठंडे हो जाएंगे। तो क्या आप क्या मांगना चाहती हैं सरकार से? खेसारी लाल यादव जी भी मांग कर रहे हैं, पवन सिंह जी भी मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप सरकार से, आपकी क्या मांग है? आप अपने आप को पहले सुधारिए, इंडिविजुअली मैं सबको बोल रही हूँ, आप अपने आप को सुधारिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। गांधी जी का था ना, आप अपने आप को आप अपना नमक कम करोगे तब आप दूसरे को बता पाओगे कि हाँ खाने में नमक कम खाया करो, उससे अच्छा होता है। तो सारी चीज़ें आपके घर से शुरू होती हैं, स्टार्ट विथ यू। आपके कहने का मतलब है इन लोगों ने ही शुरू किया और इन लोगों सारे लोगों ने इंडिविजुअली, मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रही हूँ, बट हमारे एक्टर, हमारे स्टार, हमारे सिंगर जितने भी आए हैं, पहले तो अश्लीलता नहीं थी, बहुत सारी फिल्में थी, गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ोबो, या फिर मनोज तिवारी जी के टाइम में भी, रवि किशन जी के टाइम में, ये बाद में कहाँ से ये सब चीज़ें आ गई। बहुत सारे मेरे भी कोई एक्टर हैं, तो अगर मैं बोलूँगी तो मैं और ज़्यादा विवाद में आ जाऊँगी, जो कि मैं नहीं चाहती। बट ठीक है, आप अपने से शुरुआत कीजिए, देश अपने आप सुधर जाएगा। एक सवाल है, अश्लीलता को लेकर के जो सवाल आता है, तो क्या लगता है अगर भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता हट जाएगी तो एक्ट्रेस नजर आएंगी फिल्मों में? आप हीरो के हिसाब से हीरोइन रखना बंद कर दीजिए, आपको एक्ट्रेस नजर आएंगी। वो आज के ज़माना ले लीजिए या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। अभी मेरी रिसेंटली मेरी एक एक्ट्रेस का भी इंटरव्यू आया हुआ था कि उनके टाइम में भी हीरो लोग उनको कटिंग कर दिया करते थे, वो हम सबको झेलना पड़ता है। आप हीरो की हीरोइन रहिए तो आप बैक टू बैक रहेंगी, नहीं तो हीरोइन नहीं लगती, एक्टिंग नहीं आती, डांस नहीं आता, फिर भैया ऑडियंस हमें पसंद कैसे करती? मतलब हीरोइन को भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग से नहीं लिया जाता है, अश्लीलता परोसेंगी तब? अश्लीलता परोसने से नहीं, आप पर्टिकुलर किसी के सो कॉल्ड बन जाइए काम मिलने लगे। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि एक एक्टर के साथ में एक एक्ट्रेस फिक्स रहती है, उसी को लेकर के फिल्में आगे बढ़ाते हैं, नए लोगों को चांसेस नहीं मिलता, मिल पाते हैं भोजपुरी में। देखिए पूनम दुबे कुछ नहीं बोल रही है इस विषय पर, क्योंकि ये विषय बहुत गर्म विषय है, क्योंकि बहुत सारे फिल्मों में, सॉरी बट ये आज से नहीं हो रहा है, मैं इंडस्ट्री में नहीं आई थी उसके पहले से मैं देख रही हूँ कि एक ही हीरो के साथ बैक टू बैक लोग काम करते रहते हैं। तो ये हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए। आप जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो को भैया बाबू करके चमचागिरी करेंगे तो हीरो लोग तो सर पे चढ़ के तांडव करेंगे ना। आप बोल दीजिए कि भाई हमारे स्टोरी की रिक्वायरमेंट ये हीरोइन नहीं, हमें यही चाहिए, तो क्यों होगा? लेकिन वही सबको भैया की पसंद का करना है। अच्छा, गोलू राज जी से एक मेरा सवाल है कि ये आरोप लगते हैं एक्टर्स में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि बहुत सारे ऐसे एक्टर होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा ही यूनिट काम करे, मेरी ही टीम काम करे, तभी हम काम करेंगे प्रोड्यूसर्स के साथ में, डायरेक्टर के साथ में, नहीं तो नहीं करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए ये तो होना नहीं चाहिए, और हाँ हैं कुछ लोग
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये लोग ऐसे नहीं रखेंगे तो एक सप्ताह भी कोई भी सिनेमा अपना पर्दा पे चला ले तब मैं जानूंगा। तो एक अंतिम सवाल के साथ हम चलेंगे, विदा लेंगे आपसे। सरकार से आपकी क्या मांग है? रवि किशन ने मांग कर दिया है, पवन सिंह ने मांग कर दिया है कि जात पात ना हो, सरकार इस पे ध्यान दे। रवि किशन आवाज़ भी उठाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में जा कर के कि अश्लीलता खत्म हो, भोजपुरी को मान्यता मिले। आपकी क्या मांग है? बहुत सारी मांगे हैं, चलिए एक एक करके बताते जाइए। सबसे पहले तो भोजपुरी की अच्छी फिल्मों को एटलीस्ट मल्टीप्लेक्स में एक शो तो मिलना ही चाहिए, आफ्टरनून या मॉर्निंग का एक शो तो मल्टीप्लेक्स में मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सिंगल स्क्रीन की हालत बहुत गंदी है। उसमें हम लोग आधे घंटे के लिए प्रमोशन में जाते हैं तो ऐसे मुंह पे हाथ रखना पड़ता है, इतनी गंदी स्मेल आती है, सीट टूटी हुई है। पहले जो 120 सिनेमा हॉल थे वो घट करके अभी आप 10-20 में आ गए हैं, तो सिनेमा हॉल नहीं रहेगा तो दर्शक कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात, सेंसर बोर्ड जैसे फिल्मों में कटिंग करते हैं, बीप लगा देते हैं, वैसे गानों को भी कटिंग करें। और सबसे पहले वो जो सो कॉल्ड आजकल यूट्यूबर्स आ गए हैं ना, बहुत सारी टिप्पणी देते हैं, गंदी गंदी गालियों, आप सामने वाले को गलत बोलते हैं लेकिन इतनी सारी गालियां दे करके, उन पे रोक लगनी चाहिए, उनको पकड़ के सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। आप एक दो को अरेस्ट करेंगे ना तो फालतू के अपने आप पकड़े जाएंगे। सेंसर की मांग करती हूँ, सेंसर की 100% मांग करती हूँ, नॉट ओनली फॉर मूवीज़, फॉर यूट्यूबर ऑल्सो। यूट्यूबर के लिए एल्बम्स के लिए, हर चीज़ के लिए सेंसर बोर्ड चाहिए। जिसमें भी गाली गलौच या गंदे कमेंट्स आते हैं उनको तुरंत बायकॉट कर देना चाहिए। NBC 24 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ शेयर कर दीजिए हमारे दर्शकों? NBC 24 के दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी, गर्मी बहुत बढ़ गई है तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें, और धूप का और खाने पीने का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और भोजपुरी पे अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें, और मुझे कुछ ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू सो मच। बस मैं वही कहूँगा कि भगवान सबको खुशी रखे, सलामत रखे। और बात सही बात पूनम जी, जैसे जैसा कहा कि कहीं गर्मी बहुत हवा तो गर्माए कहीं का ठंडा ठंडा पानी पिए के भाई तो ना 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 अभी एकदम नहीं भाई, देखिए फिर खुल जाएगा फिर। नहीं ऐसा है ना कि अभी अगर मैं गा दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या कि आजकल हमनी में चोरियों चमारी ढेर हो रहा है, तो अब गा दूंगा मैं तुरंत, कल रिकॉर्ड होगा वो कल रात में रिलीज हो जाएगा, तो फिर मेरा तो पूरा मेहनत। बहुत सारा गाना है, अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, नहीं तो आपको जरूर सुनाता। बहुत धन्यवाद गोलू राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। और आपकी क्या राय है भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के, भोजपुरी में जात पात को लेकर के, कमेंट सेक्शन में राय जरूर देते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, जुड़े रहिए NBC 24 के साथ।